सो हेलो एवरीवन, हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं साड़ी में लाइव आई हूँ, तो आप लोगों को कैसी लग रही हूँ? विद झुमका, विद नो स्पिन, मतलब कैसी लग रही हूँ? अरे सच सच बताना, हाँ, झूठ कोई नहीं बोलेगा। देखो, ये लंबे लंबे बाल, ये नोज पे, ये झुमके, कैसी लग रही हूँ मैं? अभी सच्ची तारीफ कर देना। हाँ भाई, थोड़ी सी इतने एफर्ट्स डाले मैंने, तुम्हें पता है इस झुमके का वजन कितना है? आई मतलब इतना ऐसे लग रहा है पूरे काने से खींच के आ रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये फिर भी सिर्फ आप सबके लिए, क्योंकि आपने बोला था, आप सबके बहुत ज्यादा ऐसे डीएम्स आ रहे थे कि साड़ी पहनो, उस पर झुमका पहनो, नोज पिन पहनो। सो ऐसे पूरा अरेंज किया, साड़ी, ब्लाउज और नोज पिन, ये सब कुछ। सो आज संडे था तो सोचा आज सब, आप सब घर पे ही होंगे, मोस्टली लोगों की छुट्टियां होती हैं, सो आज क्यों ना आप लोगों के लिए ये किया जाए। सो हाँ, और बताइए आप सब कि कैसे जा रहे हैं? अभी तो लॉकडाउन खुल गया है, जिम वगैरह ओपन हो गई है, बट फिर भी मैंने इस लॉकडाउन में सीरियसली गाइस बहुत खाया है। और ये मैंने अराउंड शायद 5 kg पुट ऑन किया है, और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, क्योंकि वो जो मैंने पुट ऑन किया है, वो मैंने वेट नहीं, वो इंचेस पर पुट ऑन किया है, और मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप लोग मेरी साड़ी वाली रील देखो, उसमें मैं आपको मोटी सी नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ। गॉड, सो अभी इस वीक ना बहुत सारी रील्स आएंगी और रोज कुछ नया आएगा, सो तुम लोग ना नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और मेरे अकाउंट पर आकर चेक कर लिया करो कि आज मैंने क्या डाला है। और ये साड़ी का प्लान भी आप ही लोगों का था, ये मैंने पूछा था पर्पल, तो ये पर्पल शेड है साड़ी का, पर्पल कलर आपने बोला था, तो पर्पल कलर पहना मैंने। और हाँ शेड, ये देखिए, ये भी पर्पल, आईज भी पूरा पर्पल, मतलब ऐसा पूरा बहुत टाइम बाद ऐसे लाइनर वाइनर लगा के एकदम तैयार हुई हूँ मैं। सो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों से बात करके, देखो भाई थोड़ी तारीफ हो जानी चाहिए, राइट और रॉन्ग, थोड़ा बहुत आप लोगों से सुनना अच्छा लगता है यार, मैं कैसी लग रही हूँ। मैं मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ, बहुत से लोगों के करती हूँ, रीड भी करती हूँ, बट क्या होता है ना, थोड़ा सा बिजी भी होती हूँ, इस वजह से थोड़ा कम कर पाती हूँ, इसीलिए मैं लाइव आती हूँ कि मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, वो भी बहुत सारी। सो इसीलिए सोचा बहुत सारी बातें की जाए, तो इसलिए। और शिकायतें हैं ना आप लोगों की बहुत सारी, हैं मेरी भी हैं। आज ना मैं लाइव आऊँगी, इस वीक में अगर आप लोग जाइए, कमेंट्स कीजिए, जिनके टॉप 5 कमेंट जो मुझे बहुत अच्छे लगने वाले हैं, मैं सच में उनके साथ लाइव आऊँगी और स्टोरी पर उनका नाम पहले ही अनाउंस कर दूँगी कि मैं किन के साथ लाइव आ रही हूँ। सो जल्दी से जाओ, कमेंट भी कर दो कि मैं साड़ी, देखो और ड्रेसेस का नहीं, बट साड़ी में बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। एक तो यार इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, फर्स्ट इसको संभालना, डांस करना बहुत मुश्किल, डांस तो नहीं आता, इसमें कभी सीखा भी नहीं, बट ट्राई कर लेती हूँ। तुम लोग कहते भी हो कि तुम्हें डांस नहीं आता, तुम क्या ट्राई, फिर भी यार क्या होता है ना, नहीं आता तो ट्राई कर लेती हूँ, बट सीखूंगी, टाइम मिलने दो, फिर देखना, फिर कहना आप सब डांस नहीं आता। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, रील्स जाके देखो, काफ़ी अच्छी बनाई है आज अराउंड इस साड़ी में अराउंड 6 या 7 6 5 5 करूँ या 6 करूँ, आप ही लोग बताओ, साड़ी में आपको 5 रील्स चाहिए इस साड़ी में या 6? लुकिंग क्यूट डियर रिशु, हाय रिशु, थैंक यू सो मच। चेतना कुमारी, आई लव यू नेहा, लव यू टू चेतना, थैंक यू सो मच। यार ये झुमका बहुत हैवी है, क्या करूँ, ऐसा लग रहा है पूरे कान से नीचे खींच रहे हैं।
हवा क्यों, ये हवा बहुत चल रही है यहाँ पे। आज मेरा वीडियो बनाना भी बहुत टफ हो गया था क्योंकि ये हेयर्स पूरा ना ऐसे करके उड़ रहे थे, ये देखो पूरा मैसी हो गए। बट जब मामला आप लोगों का हो तो हवा भी मुझे वीडियो बनाने से रोक नहीं सकती, झुकेगा नहीं वो जो बहुत चला। बट नाइस लुक नेहा जी, थैंक यू सो मच, यू आर स्टनिंग इन साड़ीज। समरा, थैंक यू समरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे तारीफ कर रहे हो ना, तो मैं थोड़ा सा क्यूट, मतलब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना सब तेरे लिए आई रे नहीं मुझे गाना पूरा याद नहीं है, बट ऐसे गा दिया क्योंकि तुम लोग ऐसा बोल रहे थे तो। हाँ हवा बहुत चल रही है ना, हवा कुछ ज्यादा ही चल रही है, बट क्या कर सकते हैं इस हवा का, ये तो चलेगी। अब मैं बैठ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। हेलो हाय, हाँ मेरे रील्स तुम लोगों को पसंद आएंगे, थोड़े थोड़े आ जाएंगे। देखो देखो डांस वांस मैंने सीखा नहीं है, और अगर तुम लोगों को थोड़ा बेकार लगे यार, देखो जो जिन्होंने डांस नहीं सीखा उनको अप्रिसिएट करना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा सा, कि हाँ तुम अच्छे लग रहे हो, अच्छा डांस कर रहे हो। जब सीखूंगी तो तुम लोगों को और अच्छी लगूंगी पक्का। ये नो स्पिन है ना, इसने आज मेरा सर में दर्द मार दिया। सजना गाना गाऊ, नहीं आता गाना, आता है सॉन्ग की लाइन्स याद नहीं है, गाना तो आता है। गाना ठीक है, हम लोग बाथरूम सिंगर्स हैं तो क्या हुआ, हमारा भी राइट बनता है। सुनाती हूँ कौन सा सुना चाहिदा कुछ भी नहीं, बस तू दिल मेरा ना तोड़ी, तेरी मेरी अड़िया में रखू टिचवटना की दूरी। कैसा था और आज मैंने भोजपुरी सॉन्ग्स पे भी वीडियोस डाले हैं, सो मुझे ना थोड़ा याद करने में टफ हो जाता है, वो वर्डिंग समझ में नहीं आता तो समझना पड़ता है उसको पूरा ऐसे करके। तो ऐसे एक ही दो गान, दो सॉन्ग्स पे बनाया है भोजपुरी, आई होप तुम लोगों को अच्छा लगेगा। स्वीटी, यस आई एम स्वीट, ओ माय गॉड सेक्सी, यस आई एम सेक्सी थैंक यू सजना तेरे लिए सजना। आज मैं गाने से गा रही हूँ क्योंकि मैं तो सजी हूँ ना, इतनी सारी बातें कर रही हूँ मैं आप लोगों से। हाँ थोड़ा सा लाइव का हो जाता है, मैं बिना बताए आ जाती हूँ, बट हमेशा मैं लाइव आती हूँ 8 बजे 9 बजे, बट आज मैं आप लोगों के लिए इतनी जल्दी लाइव आई हूँ। आपकी आईज बहुत खूबसूरत हैं, हाय आईज मेरी देखो। किलिंग रोहित, थैंक यू सो मच रोहित रोहित, क्योंकि आज मैंने ये पर्पल कलर का आई शेडो और लाइनर वगैरह और मस्कारा वगैरह लगा लिया। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ मेकअप से कब कर लूँ, ये मतलब लगाना नहीं आता है मुझे, बट फिर भी निधि को भी प्रमोट करो। हाय निधि खुद ही अपने आप को प्रमोट करती रहती है, थैंक यू लव यू इतना सारा, लव यू बहुत सारा बहुत सारा, लव यू इतना सारा, मेरा आप सबके बिना नहीं है गुजारा, लव यू इतना सारा। Like that. It's like, pretty sorry.
दिख गई होगी पूरी साड़ी। अरे वीडियोस में है ना पूरी साड़ी, जाओ देखो प्लीज। तेरे लिए आई रे आई रे सजना, तेरे लिए सजना ये चूड़ी। यार इसके अलावा कोई गाना? अच्छा आप लोग गाने बताओ, मैं गा के सुनाती हूँ। देखो मैं आप लोग बताना बाथरूम सिंगर हूँ या थोड़ी ठीक ठाक सिंगर हूँ, तो यहाँ पे गाने लिख लिख के भेजो। सो क्यूटी सो क्यूटी थैंक यू। ये देखो ये बसते भी हैं, अगर आप लोगों के नियर में रहूं और ऐसे छमछम आवाज आए तो समझ लेना नेहा के झुमके बज रहे हैं। ना इन बाल देखो कितना मस्त लग रहे हैं ना, ऐसे बाल उड़ रहे हैं, इधर कुछ उड़ाने की जरूरत भी नहीं है, भगवान खुद ही उड़ा रहे हैं मेरे हेयर्स को। चुरा लिया है तो चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, कैसा था? चलो नेक्स्ट। एक्चुअली तुम्हारी एक वीडियो देखी जिसमें तुम मासूम लोग, एक्चुअली क्या होता है ना कभी कभार बहुत पार्लर जाना ये सब का एक 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 घर से ना पॉकेट मनी मिलता है ऐसे, तो उसमें हम कभी पार्लर चले जाते हैं, कभी नहीं चले जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना मैं लोगों के लिए कुछ भी करती हूँ ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग बोलेंगे दिखावा कर रही है दिखा रही है। मुझे ऐसा लगता है क्या होता है जैसे अब मेरे वीडियोस हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जाके रिंग लाइट खरीदते हैं, जाके दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं कि हम रील्स पर वीडियो बनाएंगे हमारे वीडियोस वायरल होंगे, तो क्या पता कुछ लोग ये देखें कि यार ये वीडियो ऐसा बनाएंगे तो भी वायरल होगा, तो क्या पता ऐसा वीडियो देख कर जाकर कोई इंसान, दिखाने के लिए ही मैं कहती हूँ, चार लोगों के लिए कुछ कर दे, उनके फेस पर उसकी वजह से स्माइल आ जाए ना, तो मैं अपने ऊपर कितने भी इल्जाम ले लूंगी कि मैं दिखावा कर रही हूँ उन वीडियोस के थ्रू, कुछ भी कर रही हूँ। बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यार ऐसे भी कर सकते हैं कभी कभार, एटलीस्ट मैं नहीं कहती आप रोज जाओ, वीक में एक दिन ही लोगों के पास चले जाओ, छोटा मोटा सही, जरूरी नहीं है कि हम किसी की किसी को इतनी औकात होनी चाहिए कि हाँ हमारी इतनी औकात है कि हम किसी को घर दे सकते हैं या किसी के लिए बहुत ज्यादा कर सकते हैं। यही एक इंसान को खुशी नहीं देती है, जितनी आपकी खुद की एक होता है हमारी, इतना ही है यार हम इतना ही कर सकते हैं। अगर हम उतना भी उनके लिए कर देते हैं जितना हम कर सकते हैं, तो उनके फेस की जो स्माइल, सच्ची में आप लोग तो वहां पर नहीं होते हो जब मैं देती हूँ, या जब वो लोग हंसते हैं उस चीज को लेकर स्माइल करते हैं, कभी कभार मैं दूर से खड़े होकर देखती हूँ वो चीज, वो खा रहे होते हैं या वो लोग आपस में उस चीज को लेकर बात कर रहे होते हैं, सच्ची में ऐसे उदास से चेहरे बैठे रहते हैं, एंड सडनली जाके उनके लिए मैं कुछ कर देती हूँ या उनको कुछ दे देती हूँ या उनसे प्यार से ऐसे बातें करना, वो इतने खुश हो जाते हैं ना, इतने खुश हो जाते हैं कि ऐसा लगता है ना वो दिन इतना अच्छा फील कराता है मुझे। तो बस मैं वो चीजें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। वहां पर बहुत से लोगों का कहना आता है यार तुम तो दिखावा कर रही हो, यार तुम तो ये कर रही हो वो कर रही हो, दान है दिखा के नहीं किया जाता। मैं कहती हूँ उस चीज को देखकर अगर चार लोग भी वो कर देते हैं ना, चाहे वो वीडियो डाल दें उस चीज की, चार लोग करके ऐसा वीडियो डाल देते हैं ना, और मेरे को 10 गालियां पड़ती हैं, बहुत से लोग मुझे बुरा भला कहते हैं ना, मैं सब ले लूंगी अपने ऊपर। मुझे नहीं, मुझे वो लोगों की स्माइल बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करती रहूंगी। अरे शावर में प्रॉब्लम है यार, क्या शाह हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, शाह तुम लोग क्या चेंज ड्रेस? नो, आज साड़ी ही पहनी है तो आज आप लोगों को साड़ी वाले ही वीडियो देखने हैं। थैंक यू। डन। Like your all videos, man. Thank you so much. Thank you.
ये बाल पूरे मैसी मैसी हो गया आज तो भाई। थैंक यू सो मच, इतनी सारी तारीफ। ये देखो चूड़िया मेरे हाथों में, नो नहीं है ये, हाँ मेरे हाथों में 12-12 चूड़िया है। आहा, आहा, आहा। सजना तेरे लिए सजना ये चूड़ी, यू आर सो क्यूट इन दिस ड्रेस अप, थैंक यू सो मच। यही सुनना था मुझे। जाओ मेरे रील्स को चेक करो, आज ये साड़ी में पूरी 4-5 रील्स आने वाली है। ये आप लोगों की डिमांड पर है, हाँ ऑन योर डिमांड्स गाइस, सो जाओ देखो, देखना बनता है। थैंक यू। थैंक यू। सो गाइज लव यू ऑल एंड बाय बाय टाटा। और जिसने लाइव नहीं देखा, मैं ये वाला लाइव पोस्ट करी हूँ, आप लोग जाओ देख लेना। हाँ अगेन लव यू, बाय बाय, और जाओ मेरी रील्स देखो जल्दी से, ये साड़ी वाली।